আমাৰ সূৰ্যটো প্ৰচণ্ড তাপ আৰু পোহৰ শক্তিৰ উৎস। বুধ গ্ৰহৰ পৃষ্ঠভাগৰ উষ্ণতা ইমানেই বৃদ্ধি পায় যে ই লো আৰু সিহৰ দৰে ধাতৱ পদাৰ্থও বিলাই দিব পাৰে। গ্ৰহৰ লেহেমীয়া গতি। मेरे भाई और बहनों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल और एक नया वीडियो पे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज जाने वाले हम प्लेटिनियम। व्हाट इज प्लेटिनियम? ऐसा एक जगह है जहाँ पे आपको अंतरिक्ष का ऊपर का सब कुछ देखेगा, वर्ल्ड का सारा कुछ देखेगा, बुध शुक्र शनि सब कुछ, अंतरिक्ष का सब कुछ देखने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है, नासा में कोर्स करना पड़ता है, साइंटिस्ट होना पड़ता है, उसके बाद जाने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं, लेकिन आप लोग को फ्री, आपको वीडियो कंटिन्यू करो, वहाँ पे आप लोग को सारा कुछ अंतरिक्ष का सारा कुछ दिखा दूंगा। एंड फ्री आपको वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड 1K जल्दी होने वाला है, फट से सब्सक्राइब कर दो, 1K कर दो। ओके, कटिंग करेंगे। एंट्री सीट है गुवाहाटी प्लेटिनियम एंट्री, एंड ये है गुवाहाटी प्लेटिनियम। भाई खतरनाक, फाइनली पहुंच गया गुवाहाटी प्लेटिनियम, जहाँ पे अंतरिक्ष को सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड मैं आया कुछ दोस्तों के साथ और यहाँ का व्यू देखो गाइस, ये गुवाहाटी प्लेटिनियम है और यहाँ का नज़ारा देखो, सुंदर जो देखो कितना सुंदर है भाई। एक दुख की बात है, 2 बजे का जो सीट है वो ऑलरेडी पार हो चुका है, बिकॉज अभी 2 बज के पार हो चुका है एंड 3 बजे का है, अभी 3 बजने बहुत लेट है भाई, पसीना पसीना हो चुका है, इतना गर्मी आज यकीन नहीं होता इतना गर्मी होगा भाई, खतरनाक वाला गर्मी है। 2:15 बज रहा अभी, मिनिमम टू मिनिमम 45 मिनट लेफ्ट, 45 मिनट वेट करना पड़ेगा, ऐसे फोटो वगैरह वगैरह खिंचाते एंड उसके बाद दिखाते आप लोगों को नज़ारा गुवाहाटी प्लेटिनियम का, गुवाहाटी प्लेटिनियम क्या है। अभी बोले तो सभी वेट कर रहे हैं, 3 बजे शो है, अभी 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा। बाकी ये है पूरा गुवाहाटी प्लेटिनियम, आगे पीछे से ऐसा दिखने में बहुत ही प्लेटिनियम। अभी कितना बजे और भाई सब, और आधा घंटा है, बट इंतज़ार करो गुवाहाटी प्लेटिनियम जल्दी 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 वहाँ तक, खतरनाक। अभी टाइम हो चुका है और सभी का सभी लाइन पकड़ रहे टिकट काटने के लिए, तो मुझे भी टप करना पड़ेगा लाइन और टिकट काटते, देखते कितना प्राइस है, मुझे भी पता नहीं, बहुत दिन पहले यहाँ पे हम लोगों को टिकट मिल चुका है, टिकट का प्राइस है 30, सब 3 लोगों का टिकट कटा हुआ और 3 लोगों का टोटल 30 90 रुपये चला गया। और सामने से एंट्री गेट है और ये है एक इंसान से बना हुआ पेड़ का डिज़ाइन में, और यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं हम लोग, और एंट्री करने के बाद माहौल कुछ इस टाइप का लगता है, देखो कितना ओपी लगता है, ऐसा 3D टाइप का स्क्रीन होता है, जैसे लगता है हम खुद अंतरिक्ष में हो, ऐसा खुद अंतरिक्ष में हो ऐसा टाइप का लगता है। और ये मेन है, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये मेन है, इससे दिख गाइस कुछ मिनट में हम लोग जाने वाले स्पेस में, और सन मून प्लेनेट के बारे, हर प्लेनेट के बारे में मालूम चलने वाला है, बिकॉज टाइमिंग हो गया तो स्टार्ट तो होने वाला है अभी। यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद हम लोग खुद स्पेस में जा चुके हैं, पहुँचने वाले स्पेस में, और सन मून के पास भी जाने वाले, तो दिल थाम के बैठे रहिए, बहुत खतरनाक वाला सीन होने वाला है। आज 13.7 बिलियन बसर आगते विश्व ब्रह्मांड सृष्टिर पातनि मिलिछिल, एटा प्रचंड विस्फोरण आछिल इयार आरम्भणि। महानाद आमार घरुवा ग्रहटोर परा महाकाशर विशाल गभीरतालै एया আমি ভুমুকি মারিবলৈ লৈছো। উপরে উঠ রা, আমার গ্রহর চমৎকারী ঘটনারাজির কথাবোৰ আমি সকলোকে বিলাই দিব পাৰো, আধুনিক যুগর বিস্ময়কৰ কথাবোৰ। পৃষ্ঠভাগৰ তলত আছে এখন বিশাল মহাসাগৰ, সম্ভৱতঃ জৈৱিক অণুৰে ভৰা। অদূৰ ভৱিষ্যতে কোনোবা মহাকাশযানে হয়তো ইয়াত অৱতৰণ কৰিব, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা বহিঃজগতৰ সাগৰত সম্ভাব্য জীৱজগতৰ সন্ধান চলাব।
ইহতে শনিগ্রহর চৌপাশে পরিভ্রমণ করে প্রতি ঘন্টা প্রায় 85,000 কিলোমিটার বেগে। শনিগ্রহর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিয়ে কেবাটাও উপগ্রহ আর উপগ্রহ সদৃশ শিলাখণ্ড হয়তো মুখামুখি হয়েছিল কোনো এক বৃহৎ মহাজাগতিক সংঘর্ষর, সেইবাবেই ই গতি করে অনুভূমিক দিশত। সূর্যর চারিওফালে যেন অবহেলিত গ্রহর লেহেমিয়া গতি। ইউরেনাসর 27টা উপগ্রহর ভিতরত মিরান্ডাও এটা। বহুযুগ আগতে এক প্রচণ্ড মহাজাগতিক সংঘর্ষত ই বিধ্বস্ত হয়েছিল। বর্তমানের মিরান্ডা হল ভিন্নতার আশ্চর্যরে পরিপূর্ণ এক ভূতাত্ত্বিক ভূখণ্ড। মহাজাগতিক সংঘর্ষত চেনেলি বেদেলি হয়ে পুনের বিশৃঙ্খলতার সংলগ্ন হওয়া ই এক বৃহৎ ত্রিমাত্রিক জিগজো পাজল। মনত গভীরভাবে সাঁচ পেলাব পৰা সৌরজগতর ই এক আচরিত অবয়ব। 16 কিলোমিটার ওপরলৈ উফন্দি উঠা বরফর মসৃণ গড়াবর। সুদূরের সূর্যর চকাবকা পোহরের মাজত বুর গৈ আছে নেপচুন গ্রহট। পাক ঘূরণি খা ধুমুহাবরক সি আকোয়ালি লৈছে। নিউ ইয়র্কর পৰা পেরিস চহরের সমান দূরত্বলৈ প্রবাহিত হৈছে মিথেনের প্রচণ্ড ধুমুহা। আর ইয়ে সৌরজগতর আটাইতকৈ দ্রুত বিশেষত্ব আছে। কুণ্ডলী সদৃশ আকৃতির মিথেন গেছর এক বৃহৎ আকারের উষ্ণ প্রশ্রবণ। আর ই বিস্ফোরিত কণিকাবরক প্রায় 8 কিলোমিটার দূরলৈ আকাশত ছটিয়াই দিয়ে। সূর্যর প্রভাবক্ষেত্রর একেবারে দূরত হিমচেঁচা অঞ্চলর আছেনে বারু? বহু যুগ ধরে আমি সকলে বিস্মিত হয়ে রয়েছিল। এতিয়া পিছে মাত্র 2টা দশকর ভিতরতেই আমি আবিষ্কার করল 2,000তকৈও অধিক বহিঃগ্রহ, যুড়ে পরিভ্রমণ করে আছে অইন কিছু নক্ষত্রর চারিওফালে। যেটো গ্রহই আমার সূর্যটোর দরেই কোনোবা এটা নক্ষত্রর চৌপাশে ঘুরি আছে, আর গ্রহটোর জীবকুল আর সভ্যতা আমার পৃথিবীর দরে। এটা গ্রহ যত বসবাস করে এনে এক প্রাণীজগৎ, যে সাজে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, রেডিও টেলিস্কোপ, এইবোৰৰ সহায়ত সিহতে জানিব পাৰে মহাকাশৰ বিভিন্ন খবৰ। বিকজ অন্তৰিক্ষ কা চান্দ সূৰ্য সন মুন সব কা ক্যা ক্যা হ্যাঁ ক্যা ক্যা নেই সবকো ডিটেলস বতাতে নয়া প্লেস মে ভিডিও কো নয়া নয়া প্লেস মে আগে পসন্দ হ্যাঁ নয়া নয়া চিজ দেখনে কা তো ভিডিও কো লাইক করো, সাবস্ক্রাইব নেই কি তো সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার নেই কি তো শেয়ার করো। ক্যা কর রহে হো দোস্ত।